press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. खुशखेड़ा थाना क्षेत्र के करौली गांव में एक युवक की संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक के ऊपर चोट के निशान भी पाए गए हैं। वहीं युवक के परिजनों ने मृतक के साथी पर हत्या का मामला दर्ज कराया है। खुशखेड़ा थाना पुलिस ने पूछताछ के लिए मृतक के साथी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। खुशखेड़ा थाना पुलिस ने बताया कि खेल दिखाकर अपने परिवार का पालन करने वाला विनोद पुत्र मामूराम निवासी बरवाला हरियाणा अपने साथी कृष्ण कुमार पुत्र जिले सिंह निवासी नोखरा रोहतक हरियाणा के साथ कल शाम को करौली में किसी से मिलने आया था। विनोद की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। पुलिस ने शव को टपुकड़ा सीएससी मोर्चरी में रखवा दिया है, जबकि मृतक के परिजनों ने साथी कृष्ण पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। खुशखेड़ा थाना पुलिस कृष्ण से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। दिनांक 3/9/2018 को दिन में करीब 3:30 बजे हेमंत मेघवाल निवासी छोटी करौली ने अपने चाचा के साथ थाने में उपस्थित होकर बताया कि हमारे पास दिन में करीब 10:30 बजे हमारे पापा का पहले का परिचित कृष्ण जो हरियाणा का रहने वाला है वह उसके साथ एक युवक और आया था जो विनोद उसका नाम बता रहा था। ये दोनों आए थे, उन दोनों ने हमारे एक खाली कमरे में बैठ के शराब पी थी। इसके बाद करीब 2:30 बजे के करीब हेमंत ने जब इनको कमरे में कोई समोसे या कुछ खाने के लिए पूछने गया, जब इसने देखा कि एक तो तखत पे छोड़ा था और एक नीचे भरा हुआ पड़ा था, ये हमारे पास ईद लाई थी इसलिए हम गए थे। FSL की इनको मौके पर बुलाया था, सलमान एडिसन साहब भिवाड़ी की मौके पर बता रहे थे। फिर घटनास्थल की हमने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की, डेड बॉडी को सीएचसी टपुगड़ा में पोस्टमार्टम के लिए लोगों ने रखवाया। आज सुबह मृतक के भाई बलवान ने हत्या का मामला दर्ज करवाया है। मामला दर्ज किया जाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम किया करवाया जा रहा है। मृतक जिसके साथ आया था कृष्ण जाति नाई जो मोखरा थाना महम जिला रोहतक हरियाणा के रहने, ये दोनों साथ में रह करके गाने बजाने का काम करते हैं, इसलिए 8 साल से 7 बजे का। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।